नहीं नहीं बेटा, ये सुधर कैसे गई? ना पांच जूते, ना लड़ाई, ना कलेश। अच्छा वो बात है। तुम एक काम करो, तुम बाजार जाओ और वहां से दो घड़े लाना, एक कच्चा और एक पक्का। वो क्यों सेठ जी? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जब लाओगे तभी तो बताऊंगा। क्यों यामिन भाई? हाँ जी हाँ, जो कहा वो लेके आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अजी चाय तो पीते जाओ। बस अब तो आगे ही पियेंगे यामिन जी। हाँ ठीक है, आगे पी लिया। यामिन जी, यामिन जी, चाय बाबू पियेंगे, हम पियेंगे। अरे शेर खान जी कहाँ चले गए? हमें तो पता नहीं मामू, शेख चिल्ली ने भेजे। कहाँ भेज दिया उनको? भेजा कहीं, सारी बात बताऊँ तुम्हें, पूरे घर की डिटेल बताऊँ। शेख चिल्ली कहाँ भेजा, कहाँ भेजा। ये क्या, चाय पी के ले गए? चाय भी पी कर नहीं गए? दुल्हन ये चाय ले जाओ और दोबारा गर्म करके लाना। हाँ गर्म करके मंगाओ, शेख चिल्ली को ठंडी चाय पिला, ठंडा करेगी। चल थोड़ा पीछे हो जा, बैठने भी नहीं देता आराम से। मामू वो तो वो आ गए और घड़े भी ले आए। ठीक है, लो जी घड़े, एक पका हुआ है और एक है कच्चा। ठीक है बैठ जाओ। अरे बेटा क्या करेगा? जो करूंगा देखते रहो। मामू तुम भी मेरे पर शक करते हो, शक करते हो शेख चिल्ली पे। ओबे अबे कमबख्त, तूने मंगाए क्यों थे ये, फोड़ क्यों दिए ये? कहां कहां की तो खाद छान के मैंने ढूंढ कर लाया हूं और ये फोड़ दिए। फोड़ दिए मैंने फोड़ा, कोई वैसी थोड़ी फोड़े ये। मामू जब कोई पूछ रहा था बताता ना, बोलो। हाँ हाँ बताना चाहिए। तो सुनो ससुर जी, मामू हाँ तुम भी सुनो, यामिन भाई तुम भी सुनो, ये मेरे से पूछ रहे थे कि तुमने रुखसाना को कौन सी दवाई खिलाई जाए ठीक हो गई। वही दवाई रुखसाना की अम्मी को भी दे दो। दवाई? दवाई का इन घड़ों से क्या संबंध? यही तो बता रहा हूँ। अच्छा अब तुम ये बताओ, इनमें से कौन सा घड़ा बन सकता है तुम्हारा, ये या ये? ये बन जाएगा। ये क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं बने? ये पक्का है। और ये कच्ची मिट्टी है। यही तो मेरा जवाब है मामू। वो क्या? वो ये कि ये माने रुखसाना की अम्मी है। अच्छा। और ये रुखसाना है। अच्छा। ये कच्ची मिट्टी है, टूट कर बन सकती है। ये टूट के बन नहीं सकती, अगर टूट गई तो बन नहीं सकती। अबे हाँ बेटे, ये तो तू सही कह रहा। वाह बेटे वाह। देखा शेर खान साहब, मेरे भांजे ने आपके बेटे को पूरी तरीके से सुधार दिया। अरे आज तक जो बात मैं नहीं समझ सका, मेरे भांजे ने घड़े फोड़कर मुझे भी समझा दिया। वाह बेटा वाह, तुमने मेरा दिल जीत लिया। चौधरी साहब, मैं रुखसाना को दो चार दिन के लिए घर ले जाना चाहूँ। हाँ हाँ ले जा सकते हो, लेकिन मुझसे क्यों पूछ रहा हो आप? अब तो वो आपकी ही बेटी है, आप भेजे ना भेजे। ठीक है मामू। तो चुप रह। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो हमारी बेटी लेकिन आपकी भी बेटी है, वो जाएगी। रुखसाना बेटा जाओ, बैग लेकर आओ और अपने अब्बू के साथ जाओ। वो नहीं जाएगी। चुप्पे। वो जा रही है रुखसाना। मामू। अच्छा बेटा, रुखसाना आओ इधर आओ बेटा। शाबाश। और एक काम करना बेटा, कोशिश करना कि अपनी अम्मी को भी अपने रास्ते पे चलाना। ठीक है बेटा? जाओ, खुदा हाफिज। मामू मामू मत भेजे रुखसाना को मत भेजे मामू। अबे चुप कर, चार दिन बाद मिले आएंगे। ठीक है तू चलेगा मेरे घर? हाँ दोनों चलेंगे। तो ठीक है मामू, भेज दे काट रहा। तो ये था शेख चिल्ली का करिश्मा। हर वक्त लड़म लड़ा जल्दी लिया, बस भूख बहुत बुरी लग रही मुझे। यानी कोई ना कोई आटक और ना तो और
तेरा लाडला देवर रामलाल याद आ रहा। थोड़ी तसल्ली भी रख लिया करो। मैं कह रहा हूँ तो रोटी लाके धर दे, कोई ना कोई छाती पे अटक के आराम से तुम रोटी तो खा लेंगे। पानी और दे एक गिलास। पानी ला रे, रोटी तो खा लो। मैं चौधरी राम 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 लाल बाबा बहुत उम्र है तेरी। बस उम्र क्या, रोटियों का दाम दिया और तुझे याद ही कर रहा। बस भाभी का आशीर्वाद है और क्या है, मेरे द्वारे तो बस चीज ही है। मेरे तो मुझे बता। ए चौधरन, एक काम कर, एक कटोरी में दाल और एक गिलास पानी और लिया। ना मैं तो खा के आया हूँ खाना, पेट फुल हो रहा है एकदम। खा ले बावले, तेरी भाभी का हाथ का बनाया खाना। भाभी ने बनाया? भाई साहब हाँ, भाभी बूझ ले मेरा। अच्छा, और आपने बनाया खाना यू? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाया खाना। नालायक जो छोड़ रखे हैं वे भी बना देना कभी कभी। अजी बहुत तो बस हराम की खा मैं। आपने बनाया था तो मैं खाई लूँ। बड़े प्यार से बनाया वैसे देवर जी। तुमने भी खा ली रोटी रोटी ना? अजी अभी कहाँ खाई है मैंने, भले आप खा लो मैं खा लू। भाई साहब खाना आज अपने हाथों से बनाया मैंने, खा के बताओ कैसा बनाया। बस भाभी के हाथ का तो खाना पड़ेगा, अच्छा जहर भी हो पता ना, भाभी का मैं पीछे भी खा जाऊंगा कभी कभी। खाना तो बढ़िया है, खाना तो बहुत बढ़िया है। हाँ बढ़िया तो मुझे लग रहा है, कुछ घना बढ़िया सा लग रहा है। स्वाद ज्यादा बढ़िया सा ना लग रहा तुझे? हाँ भाभी के हाथ का भाभी का हाथ के दाल तो। हाँ फिर हमें तो भाभी का हाथ के ना। बस एक चिल्ली। अबू अबा आज तो बड़ी घुट्टो घूट पी रहे हैं साले, क्या माल पी रहे हैं। मगर एक बात है अबू। हाँ? तुम मत खा लेना दाल को। दाल को ना खा लेना? हाँ। क्या बात है अबू? यही तो बात है, ये तेरे शेक की चाल है, इलाज खा लें। शेक की चाल है? हाँ। मेरे बेटे वार। एक गिलास पानी और लीजिए ऐसा अपने देवर को। एक बात तो बताओ, वे जो नालायक नौकर ला के दिए मैंने, काम ठीक ठाक कर रहे हैं ना? अब उन्हें रात का खाना दूंगी जाके। एक बात सुनो, एक काम करो, अब रात का बंद कर दो। अब रात का बंद कर दो, फिर देखो कैसे लाइन पावे साले दोनों के दोनों। हराम भी बहुत है। ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा। इस बात में तो सही कहो भाई साहब। खाना रात का भी बिल्कुल बंद कर दो, जैसा मैं कहूँ वैसे करते रहो बस। ठीक है ऐसे करो। अच्छा तो ऐसे मैं चलूँ, खाना भी आज ज्यादा ही टेस्ट है भाभी का हाथ का। खाने का तो टेस्ट ही अलग है। मिलता रहिए बराम लाल।
चौधरन कैसा माथा पकड़े बैठे तू? ये बताओ मेरी तो सवेरे से टूटली दही, जब से तन्ने वो खाना खवाया ना खवाया, कहा गेर रखा उसमें तन्ना। क्या हो गया? चार पांच बार जा लिया खेतों में, फिर सवेरे से लार लगा लुट टटा। तुम तो चार बार चले गए, मैं तो छह बार होके आ गई, मुझे ना पता कुछ भी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा। तू भी छह सात बार जा ली? अच्छा ना ठीक है, ओहो मान लिया कौन हो। अरे चौधरी रामलाल, कैसा बात है? बस बात बात कुछ ना, मेरा होश हवास सब खत्म हो गया। कैसे लांग वांग खोले फिर यार, कैसे डिब्बा ठा रखा है बच्ची का? अरे चौधरी लांग पांग ना होश हवास बनने बांध है के, जब से हंसे दाल खा के गया हूँ। अच्छा, और जब से होश हवास खत्म उठूं और बैठूं बस गया ली, और पूरा झाग सा जा रहा था कपड़े धोले, पता नहीं क्या है। तू भी इस चीज का शिकार हो? अब शिकार बस बुरी हालत है। और महाराज तेरी बाबी का तो बस हाल ही मत पूछे। अच्छा हाँ, मैं सवेरे से मैं तो देखा बाढ़ वाले खेत में पड़े हुए, मुझे पता नहीं घर कहाँ और रात कहाँ। चौधरा ने एक बात तो बता। हाँ पूछो। ये दाल बनाई किसने ही? दाल तो मैंने बनाई थी, पर मैंने दाल तो उन दोनों नौकरों को भी दी थी। उन्हें भी दी? उन हरामजादों को तो कुछ भी ना हुआ, एक बार भी नहीं गए वो तो। कुछ भी ना हुआ? वह हमारा क्या होता है? इधर थारे करवा गाड़ी आ रहे, थारे करो है। अरे भूखे मार रखे चौधरी हो तुमने, जिस दिन से हम यहाँ आए तुमने भी ना खाया। हमने क्यों नहीं खा दिया? थारे कर्म गाड़ी आ रहे, हमारे कर्म खराब थोड़ी है। अरे तो हमारे कर्म ऐसे हैं जो इस काम के लोग हम खेतों में पड़े रहे। खेतों में पड़े रहा हमारी जिम्मेदारी इस बात की। अरे दाल तो तुम दोनों ने भी खाई, हमने खूब पी, हमने तो खूब खाची घूटो से। चल चल ऐसा है, मुझे तो इन दोनों की चाल लग रही है। एक काम कर भाभी, अब इन्हें जो है बिल्कुल खाना देना बंद कर दे, इन्हें सड़क सबूर आ जाएगा। सही कह रहे हो भाई साहब, मरवा दिए हम, और मैं चल रहा हूँ घर को, मेरी अभी हालत सही ना है। अच्छा पहुँचो भाई साहब, ठीक है इन्हें खाना दो ही ना, बिल्कुल बंद कर दे। आराम करिए रामलाल, भाई साहब आराम से निकलियो। अर्धिका मिलता रहिए भैया। दो दिन और देख ले, इसके बाद यहाँ पे अपना हिसाब लेकर अपना चलेगा भैया अपने घर को। अबू एक बात है। हाँ एक बात है अबू। हाँ बता। मेरी एक तरकीब याद है। क्या तरकीब याद है? आज रात को तुम्हें नहीं लग रही भूख? नहीं बताओ मुझे। अरे मुझे तो बेटे तेरे से ही बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ तो सुनो सही, आज रात को खैचकतान बनेंगे। खैचकतान? हाँ वो खैचकतान, खैचकतान बनकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा मैं। तेरे वो मेरे बेटे कैसे बनेगा खैचकतान? खैचकतान बनूंगा। ओ अबू ये देख, रस्सी दिख रही है? रस्सी वो हाँ हाँ दिख रही। आज रात को हाँ इस रस्सी से मैं खैचकतान बनूंगा। अच्छा, और फिर देखो मैं कैसे खवाता तुम्हें खाना। अरे मेरे बेटे देख लिया, आज देखो रख दे ठाक है। ठीक है ठीक, रात को देख, आज शेर चिल्ली की तरकीब देखो। भैया भुक्के मार दिया चौधरी ने, ये तो खराब है, इसे देखना मुझे। हाँ पेड़ पर क्या लटकता है? पेड़ पर बेल पत्थर लटकता। वेरी गुड इंडियन ट्री। पेड़ पर पत्थर लटकता है, बेल मोटा है, इसको लोग खाते हैं। इधर आओ। तुम्हें पता मुझे रात को नींद भी नहीं आई सालों, मैं चक्कर में था, मुझे पता थी तुम कुछ ना कुछ जासूसी दोगे अंग्रेजों को, अच्छे को। एक बात बताओ,
हराम ज्यादा जो तुम्हें बताया अंग्रेजों को मुश्किल से भगाया, इन्हें सारी जासूसी दे रहे हो, अरे छिपा कर रखा है बेल पत्थर का पेड़, बतला दो इसे, ये भी बतला दो हमारे देश में वहाँ कारतूस बने वहाँ बंदूक बने, सारी जासूसी दे दो, मुश्किल से तो भगाए साले, और मुझे रात को नींद भी नहीं आई इस चक्कर में, मगर कुछ ना कुछ काम बिगाड़ेंगे 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 काम बिगाड़ेंगे बिगाड़ेंगे साले चले जाओ मैं चले जाओ मैं खतर अंजान से मार दूंगा। शेख चिल्ली को पागल मान रहे हो, पागल मान रहे हो शेख चिल्ली को, ये बता दे पियर ए साले इधर कहाँ गए अंग्रेज की औलाद, साले को मैं देखूंगा। मजबूत भी है, मजबूत है, अब देख शेख चिल्ली की चाल। अच्छा।